इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे एक्सेसिंग लिस्ट्स, एक्सेसिंग लिस्ट्स बाय यूजिंग इंडेक्स. क्या इसका मीनिंग है? देखें, जैसे लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था कि जो भी लिस्ट में आप लिखते हैं आइटम, उसको आपने कॉमा से सेपरेट करना होता है और आपने क्या करना होता है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है. तो यहाँ मैंने आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है. काउंटिंग लाइक अ कंप्यूटर, टू एक्सेस अ लिस्ट वी नीड टू काउंट लाइक अ कंप्यूटर एंड दैट मीन्स स्टार्टिंग विथ ज़ीरो. यानी इंडेक्स जो है वो हमेशा ज़ीरो से आपने काउंट करना होता है. लिस्ट गिव एन इंडेक्स नंबर टू ईच लिस्ट आइटम. फर्स्ट एलिमेंट होगा तो उसको हम जीरो इंडेक्स पे काउंट करेंगे, सेकेंड को हम वन पे एंड सो ऑन. टू एक्सेस द फर्स्ट आइटम इन अ लिस्ट यूज द लिस्ट नेम फॉलोड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट्स कंटेनिंग द इंडेक्स नंबर. जो भी मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखी है, अब मैं आपको उसको एग्जाम्पल से शो करूंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए. देखिए, ये तो लिस्ट है हमारे पास, जितने भी इसमें आइटम्स हैं ये कॉमा से सेपरेटेड हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे गए हैं. लेकिन याद रहे कि ये मैंने स्ट्रिंग लिखे हैं, राइट, इसलिए हमने कोटेशन लगानी होती है. लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने सब लिस्ट को रिट्रीव करवाना है, इसकी आउटपुट लेनी है, तो वो भी हम ले सकते हैं. लेकिन यहां लिस्ट में से आपने कोई एक आइटम अगर रिट्रीव करवाना है, जैसे मैंने लिखा है एक्सेसिंग लिस्ट, तो वो भी आप करवा सकते हैं और यहाँ पे भी इंडेक्स का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा. और याद रहे, जब हम काउंट करते हैं तो इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है. यानी गैस जीरो है, माइकल कॉर्स वन है, टू थ्री फोर, राइट. अगर इसमें से मैंने सपोज माइकल कॉर को रिट्रीव करवाना है, तो आपने ये लिखना होगा प्रिंट और फिर ये वेरिएबल का नाम लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट में उसका नंबर लिख दें. कभी भी जल्दी में आप ये नहीं कहें कि वन मैंने कहा तो आपने गैस पे कर दिया, क्योंकि इंडेक्स हमेशा जीरो से काउंट होता है. और ये मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए बात. अब जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखें इसका आउटपुट में माइकल कॉर्स आ गया आपके पास, ये ब्रांड हो गई, राइट. अगर आप चाहते हैं गैस आए तो फिर आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आपने जीरो करना होगा और फिर आप इसको रिट्रीव करवाएंगे तो आपके पास गैस आ जाएगा. सिमिलरली ये एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाई है और एग्जैक्ट दोनों सेम हैं, दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ मैंने प्रिंट का वर्ड यूज किया है और यहाँ मैंने प्रिंट नहीं किया. आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं. अब जब हम इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि माइकल कॉर ही इसका आंसर आया, क्योंकि मुझे वन ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ पहले वन था. इसको भी मैं वन करके आपको बता देती हूँ कि ये पहले वन था, राइट. जब आपने प्रिंट का वर्ड यूज करेंगे तो देखें यहाँ कोटेशन आपके पास नहीं आएगी, लेकिन अगर प्रिंट को हमने रिमूव कर दिया तो आपके पास आउटपुट आएगी लेकिन कोटेशन में आ जाएगी. तो ये भी हमने अच्छी तरह पहले डिस्कस किया, सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी सी रिवीजन करवाई है. यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि आप एक कोडिंग में वन टाइम ही प्रिंट लिखें, आप चाहें तो टू टाइम्स थ्री टाइम्स भी लिख सकते हैं. यहाँ मैंने एक प्रिंट का फंक्शन लिखा है कि प्रिंट ब्रांड नेम्स, ये मेरा लिटरल है, स्ट्रिंग है, और यहाँ मैंने इसकी टाइप मालूम करनी है, राइट. सो टाइप का फंक्शन, अब आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि मैं इसको रन करूंगी तो टाइप में क्या आएगा. कभी भी आपने जल्दी में नहीं कहना स्ट्रिंग, क्योंकि ये देखें जब स्क्वायर ब्रैकेट है और ये कॉमा से सारे आइटम सेपरेट हैं तो इसका टाइप होगा, यानी इसकी क्लास होगी लिस्ट. और यहां मैंने प्रिंट ब्रांड नेम फोर लिखा है, फोर पे क्या आएगा, जीरो वन टू थ्री फोर, फेंडी. इसको अब हम रन करते हैं तो आप देखें कि आपके पास टू आउटपुट्स आ गई, क्योंकि मैंने यहां दो टू टाइम्स प्रिंट का फंक्शन यूज किया था और क्लास लिस्ट आ गई. नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है कि यहाँ आप अगर 0, 2 जो भी आप इसमें से चाहते हैं आप इसमें रिट्रीव करवा सकते हैं. लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इंडेक्स में तो ये 0 से काउंट होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. लेकिन जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो फेंडी माइनस 1 होगा. राइट से लेफ्ट पे आपने जीरो से इंडेक्स नहीं स्टार्ट करना, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन. तो मैंने यहां भी आपको करके दिखाया है कि जीरो टू माइनस वन और फोर. इसको हम रन करते हैं और फिर मैं आपको आउटपुट समझाती हूँ इसकी. देखें, गैस है वो जीरो पे है, बिल्कुल ये जीरो पे है. टू पे क्या है हमारे पास, कोच है. तो हमारे पास आ गया कोच इज द थर्ड एलिमेंट. लेकिन माइनस वन, माइनस वन का मीनिंग है ये फेंडी, ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो हमारे पास फेंडी आया. लेकिन अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फेंडी कहाँ आएगा, जीरो वन टू थ्री फोर. तो इसलिए मैंने माइनस वन और फोर दोनों आपको रन करवा के दिखाए हैं कि दोनों का आंसर फेंडी होगा. माइनस वन कब
होगा जब हम यहाँ से राइट से लेफ्ट आएंगे, और जो पॉजिटिव 4 है वो आपने लेफ्ट से राइट करना है, लेकिन 0 से स्टार्ट करना है, राइट. इस पे आप और भी प्ले कर सकते हैं, इसके नंबर भी चेंज करके आप इसको चेक कर सकते हैं. एक और एग्जांपल मैंने ये बनाई है आपके लिए कि ये मैंने ब्रांड नेम लिखे हैं, और मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ ये शो किया है कि प्रिंट ब्रांड नेम 1, ये तो मेरे पास यहाँ से मैंने वेरिएबल ले लिया, और ये मैंने लिटरल ले लिया. जैसे मैंने आपको बताया कि आप लिटरल भी ऐड कर सकते हैं. इसको जब हम रन कर देंगे तो 1 और -4 एग्जैक्ट सेम है. माइकल कोर इज सेम एज इंडेक्स -4 माइकल कोर. इसका क्या मीनिंग हुआ, देखें ये है पॉजिटिव 1 और ये है नेगेटिव 4. अब यहां से अगर हम काउंट करते हैं 0 1, पॉजिटिव 1 पे माइकल कोर है, राइट. और अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगी तो -1 -2 -3 और -4 पे माइकल कोर है, इसलिए मैंने लिखा है ये सेम है. अब आगे चलते हैं, एक लास्ट एग्जांपल है. टेस्ट अंडरस्कोर मार्क्स दिए गए हैं, सम एक और मैंने वेरिएबल बनाया. अगर इसमें से लिस्ट में से आप किसी भी नंबर्स को ऐड करवाना चाहते हैं, चाहे तो आप सबको ऐड करवा लें. मैंने सिर्फ आपको 3 को ऐड करके दिखाया कि जो 0 पे है वो ऐड हो जाए, जो 2 पे है और जो 4 पे है. देखें 0 1 2, 2 पे ये है, 4 पे ये है. इनको जब हम रन करवाते हैं तो हमारे पास आउटपुट टोटल आ गया 288. अगर आप चाहते हैं ये टोटल का वर्ड नहीं आए तो यहाँ से सिर्फ डिलीट कर दें, आप प्रिंट को आप लिख दें 700 टोटल. अब आपका होमवर्क ये है, आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये है कि आपने यहाँ टोटल या जो सम टोटल है इन सब 5 को करना है, फिर 4 को करना है, फिर 2 को करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम 3 को ही करवा सकते हैं. ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल बताई है. उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया.